हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया स्मॉल वर्ल्ड। ओके, सो आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का जो वीडियो है वो चॉकलेट बुके के ऊपर है। जी हाँ, एक और मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बुके का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आई हूँ। आज लास्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बनाती हूँ। तो स्पेशल इसलिए है बिकॉज अभी तक के मेरे जितने वीडियोस थे उसमें सबसे अच्छा मेरा चॉकलेट बुके वाला वीडियो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, एंड 14K प्लस व्यूज़ हो गए हैं उस पर। तो आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, कई लोगों को वॉइस क्लियर नहीं जा रही है, या कई लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं कि जो मैंने नेट उसमें यूज़ किया हुआ है उसका साइज़ क्या है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में सब मुझे आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा, एंड लास्ट वीडियो जैसे आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे। सो आज हम थोड़ा सा बड़ा बुके बनाएंगे। लास्ट टाइम का जो बुके था वो छोटा था साइज़ में, इसको आज हम थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो चॉकलेट्स मैंने ऑलरेडी बना करके रख लिए हैं, बिकॉज पूरा चॉकलेट के साथ मैं ऑलरेडी आपको दो वीडियो में बता चुकी हूँ चॉकलेट्स के लिए। ये जो चॉकलेट है ये पान फ्लेवर है और इसमें डेरी मिल्क फ्लेवर चॉकलेट्स हैं। इनका वीडियो मैं मेरे इससे पहले वाले जो ब्लॉग है मैं उसमें दे चुकी हूँ, हालांकि मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया है, मैंने जस्ट वो चॉकलेट्स बना करके रखी हैं कल, तो वो उसमें बताया हुआ है। पर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से इस पर वीडियो बना दूँगी। पान फ्लेवर की चॉकलेट है, इसमें मैंने जो पान मसाला मार्केट में अवेलेबल होता है, मुखवास जिसे बोलते हैं, उसका मैंने यूज़ किया है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो रॉ मटेरियल से आप कैसे पान फ्लेवर के चॉकलेट्स बना सकते हो, जैसे हम पान का पत्ता उसमें यूज़ कर सकते हैं, हम गुलकंद यूज़ कर सकते हैं जो टूटी फ्रूटी आती है, और वो सब यूज़ करके, तो वो मैं आपको बता दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ 24 to 25 चॉकलेट्स हैं, शायद ये हार्ट शेप की हैं। मोल्ड आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, रैपर आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तो जस्ट आपको इसे रैप करना है उन्हें। तो अब मैं आई बटन दे दूँगी जिस पर मैंने चॉकलेट की थोड़ी डिटेल बताई हुई है कैसे बनाना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हो। सो अभी हम लोग हमारा चॉकलेट बुके बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या सामान लगेगा, किन सामान की ज़रूरत रहेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चॉकलेट्स चाहिए, ग्लू गन ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बाद हमें जो वुडन स्टिक्स आती हैं वो लगेंगी, देन आप ऐसे कोई भी आपके पास कपड़ा हो, नेट का, टिश्यू का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लो। तो मेरे पास ये है, तो मैं इन्हें यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास फ्लोरल फॉर्म ये इस साइज़ का आता है। ओके, तो मैंने इसमें से इसको कट कर लिया है। आप इसमें से तीन बुके भी बना सकते हो, अगर आप मैंने जो लास्ट बुके बताया है छोटे साइज़ का वैसा, तो इसको आप मैंने कट कर लिया है। मैंने पहले सोचा था मैं छोटा बनाती हूँ, तो पहले मैंने ये कट करके इसे पानी में डाला था, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बड़ा बताती हूँ, तो मैंने भी इसको किया है। तो ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत संभल के इसके साथ आप काम करिए। मैंने इसको पानी में डाला है तो फिर भी ये थोड़ा सा मज़बूत हो गया है, अदरवाइज़ ये बिखरता है, तो बहुत केयरफुली इसके साथ काम करिए आप। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है मैं इसका भी आगे आपको वीडियो बता दूँगी। तो अगर आपके पास ये फ्लोरल फॉर्म नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो थर्माकोल होता है उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल फॉर्म आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्माकोल की जो मोटी वाली शीट आती है आप उसको दो तीन उसकी शीट से कट करके सेम साइज़ की आप उसे स्टिक कर दीजिए, देन उस पर आप आपके जो वुडन स्टिक्स रहेंगी उसे आप उस पर लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी जल्दी से हमारा चॉकलेट बुके बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास फ्लोरल फॉर्म, ये काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है, वो बहुत ही केयरफुली इसके साथ आप वर्क करिए। तो इसमें से आपको ये एक्चुअली ऐसा रेक्टेंगल शेप का आता है, एंड आई थिंक 35 या 40 रुपीज़ का ये एक पीस आता है पूरा। तो इसमें आपको जितना आपको यूज़ होना है उतना आप कट कर लीजिए,
एक फॉर्म से आप इसमें तीन बुके बना सकते हो छोटे साइज़ के, और आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बुके बना रहे हो, ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। तो कट करके एक आप बकेट में पानी भर लीजिए, मैंने कैसा तपेली ले लिया, पानी डाल दिया और आप उसमें से डाल दीजिए, वो धीरे धीरे खुद ब खुद ऐसे नीचे बैठता जाएगा। हाफ आवर के लिए आप इसे पानी में रहने दीजिए और थोड़ा ऐसे आप ऐसे पलट दीजिए बीच बीच में। तो हाफ आवर के बाद आप इसे निकाल करके ड्राई होने के लिए बाहर रख दीजिए पूरा। आप इसको एक दिन मतलब 24 आवर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ओके, तो अभी कई लोग ये सोचेंगे कि अगर इसे पूरा अच्छे तरह से ड्राई ही करना है तो इसे पानी में क्यों डालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही डेलिकेट होता है, तो जब इसको आप पानी में डाल देते हो तो ये थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा ऐसा टूटेगा नहीं है बहुत इजीली, जैसा अभी बिखरता है वो, तो पानी में डालोगे जब आप तो वो बिखरेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पर ये ग्लिटर शीट ले ली है, ये इजीली आपको मार्केट में हर कलर में अवेलेबल होती है। तो इस शीट से मैं ये जो फॉर्म है इसको मैं पूरा कवर कर दूँगी, और आपका फॉर्म अच्छे से ड्राई होगा तो ईज़िली ये ग्लू गन की हेल्प से आप इस पर स्टिक कर पाओगे इसको। अदरवाइज़ अगर वो उसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो ग्लू इस पर चिपकेगा नहीं। मैं अच्छे से इसे चारों साइड से ग्लिटर शीट से कवर कर लूँगी इस फॉर्म को। और मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि जब आप ग्लू गन से आप काम करो तो बहुत ही केयरफुली करिए, बिकॉज बहुत हॉट ग्लू उसमें से निकलता है और वो चिपक जाता है हाथों में, तो आप बहुत ही केयरफुली रह करके काम करिए। ये फॉर्म हमारा रेडी हो गया है, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हम ये वुडन स्टिक्स ले लेंगे, जिन्हें बारबेक्यू स्टिक्स भी बोलते हैं, तो हम ये स्टिक्स ले लेंगे और चॉकलेट्स को हम इन पर ग्लू गन की हेल्प से हमने स्टिक कर देंगे। तो मार्केट में ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती हैं, मेरे पास दो तीन साइज़ थे इसके वुडन स्टिक्स के, बारबेक्यू स्टिक्स के, पर मेरे पास जो छोटा वाला साइज़ है वो शायद मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो इन्हें आप तोड़ करके यूज़ कर सकते हो अगर आपको छोटा साइज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सारे चॉकलेट्स लगा देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप ये चॉकलेट्स को इस पर आप सेलो टेप से भी लगा सकते हो, एंड ग्लिटर शीट को फ्लोरल फॉर्म पे लगाने के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं। आप फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हो, या स्टिक करने के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं तो आप उनसे भी यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन से ये होता है कि बहुत जल्दी काम हो जाता है। सो ये एक मैंने आपको यहाँ पे सेलो टेप से चिपका करके बताया हुआ है। इसी तरह से हम सारे चॉकलेट्स ऐसे स्टिक कर देंगे इस बारबेक्यू स्टिक पर। ओके, चॉकलेट्स हमारे सारे स्टिक होकर के रेडी हैं। अब बारी है इन्हें रैप करने की कपड़े से, नेट से, ठीक है। तो मेरे पास ये पिंक कलर का नेट है, आप नेट, टिश्यू, ऑर्गेंजा, किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। बस इतनी इस बात का ध्यान रखिए जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें से वो धागे ना निकल रहे हो, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लूँगी। इसके आप अगर साइज़ की बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है इसमें, बस आपको स्क्वायर कट करना है। सो आप 3x3 का स्क्वायर कट कर सकते हो, ज़्यादा छोटा ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसे डबल कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो,
तो वो शेड में दिखेगा, जैसे आप पिंक के साथ आप वाइट का या जो भी दूसरा कलर आपको पसंद हो, तो आप वो दोनों स्क्वायर एक के ऊपर एक रखिए और उन्हें जिस मेथड से मैंने फ़ोल्ड करना बताया है वैसा फ़ोल्ड करके आप उसे लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी सिंगल ही यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे कपड़े को फोल्ड करके आप एक साथ ही सारे स्क्वायर कट कर लीजिए, और इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ फिनिशिंग चाहिए, थोड़ा सा अगर आड़ा तिरछा भी कटता है तो चलता है। तो ये मेरे पास जो गोल्डन है टाई रिबन, इस टाइप के टाई रिबन भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और हर कलर में अवेलेबल होते हैं ये, तो आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो अभी इस कपड़े को आप अच्छे से देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। कॉर्नर्स को हमें ऊपर रखना है, तो बीच में ऐसा वी टाइप का शेप बनना चाहिए और उस वी शेप में हमें इसे चॉकलेट को ऐसे बीच में रख के आप दोनों साइड से इसे ऐसे फोल्ड करिए और नीचे के साइड पर इसे टाई रिबन से आप यहाँ पे इसे अच्छे से टाई कर दीजिए। तो इसी तरह से हम सारी चॉकलेट्स अच्छे से कवर कर लेंगे। और ये जो हम बुके बना रहे हैं, आप ऐसे बुके बना करके आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दे सकते हो, आप बर्थडे हो एनिवर्सरी हो कुछ भी आप गिफ्ट कर सकते हो। एंड बच्चों के लिए भी आप ये बुके बना सकते हो, बच्चों के लिए जो मोल्ड आते हैं अलग कार्टून कैरेक्टर वाले या कुछ टेडी बियर्स वाले ऐसे, तो उसके साथ आप चॉकलेट बना के रैप करके आप उनका भी अलग से बुके बना सकते हो। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो जितना स्प्रेड होता है ना उतने ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है। इसमें मैंने मेरी सोच के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे रेडी किया हुआ है, हो सकता है आपके पास और अच्छे थॉट्स हो इसके लिए और अच्छी सोच हो इसके लिए, तो आप लोग इसे और अच्छा कस्टमाइज़ करके और अच्छा बना सकते हैं। मेरे पास और भी डिफरेंट टाइप की बुकीज़ के आइडियाज़ हैं कुछ, इन फ्यूचर मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो अगर प्लीज़ आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारे चॉकलेट सारे रेडी हो गए हैं, अभी बारी है इन्हें इसमें अरेंज करने की। सो इसे हम अच्छे से अरेंज करेंगे इसमें। ये स्टिक्स डिफरेंट साइज़ में आते हैं, पर अगर आपके पास एक ही साइज़ अवेलेबल है इसका तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको कितना उसको अंदर डालना है उसके अकॉर्डिंग आप उसे स्टिक को कट करके सीज़र से कट करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट पैटर्न में आप इन चॉकलेट्स को अरेंज कर सकते हो। इसमें मैंने फर्स्ट जो चॉकलेट लगाई है वो ऊपर है, उसके बाद सारे थोड़े मैंने नीचे नीचे करके लगाए हुए हैं। ओके, तो चॉकलेट के अरेंजमेंट के बाद इस हमारे इस बुके को और ज़्यादा
सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये मेरे पास फ्लावर स्टिक है, तो मैं इसे पीछे की साइड पर ऐसे इसमें अंदर लगा दूंगी और थोड़ा सा हम इसे फैला देंगे तो ये एक ही जगह पर ना दिखे, थोड़ा सा फैला हुआ दिखे। ये फ्लावर स्टिक जो पूरा बंच में आती है, आप चाहें तो इसके भी इसमें से जो सिंगल सिंगल स्टिक्स होती हैं उसमें से आप एक कट करके उसे यूज़ कर सकते हो। सो बुके हमारा रेडी है, पर अभी हमें इसे थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाना है। तो मेरे पास ये इस टाइप का गोल्डन कपड़ा जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, गोल्डन नेट है ये। तो ये अभी एक्चुअली थोड़ा अनइवन सा है, इवनली कट नहीं है ये, तो मैं इसे इवनली कट कर लूँगी पहले मैं इसे। डबल फोल्डेड है ये और सेमी सर्कल में है, तो ये मेरे पास किसी चीज़ की पैकेजिंग में आया हुआ था कपड़ा, तो मैंने सोचा मैं इसे यूज़ करती हूँ इसमें। मैंने इसे सेमी सर्कल में कट नहीं किया है, ये ऑलरेडी ऐसे ही कट था बट अनइवन था, तो मैं इसे इवनली कट कर रही हूँ बस सेमी सर्कल में। तो इसे कट करने के बाद जो है फिर मैं सुई धागे की हेल्प से जो है इसमें मैं जो ओपन एरिया है इसका वहाँ पर मैं ऐसे सेमी सर्कल में राउंड शेप में उसे बड़े बड़े स्टिचेस दे दूंगी। तो लास्ट में हम जो है इसका धागा पूरा ऐसा खींच लेंगे तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा और इसमें हम नॉट बांध देंगे तो ये कुछ इस टाइप से फोल्ड हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी है जो हमने बनाया हुआ है नेट का, तो बुके में हमने एक साइड फ्लावर लगाए हुए हैं, दूसरे साइड पर हम इसे लगा देंगे। जो वुडन स्टिक मैंने तोड़कर यूज़ करी थी तो उसी का एक टुकड़ा है एक, तो उसकी हेल्प से मैं इसे इसमें स्टिक कर दूँगी तो ये भी उसमें स्टिक हो जाएगा। और आप नेट जब आप ऐसा लगाओगे ऐसा कपड़ा तो आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हार्ड हो तो वो ऊपर रहे खड़ा, नहीं तो सॉफ्ट वाला नेट होगा तो वो ऐसा फोल्ड नहीं होगा, ऐसा खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। तो अभी बुके हमारा जो है एकदम रेडी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। एंड यस, ये मैं शूट करना भूल गई हूँ, आगे का जो फ्लोरल फॉर्म उसमें दिख रहा था तो उसको मैंने कवर कर दिया है नेट के कपड़े से, सेम जैसे हमने ये चॉकलेट्स को हमने कवर किया था स्क्वायर शेप को फोल्ड करके, वैसे ही मैंने फोल्ड करके और ग्लू गन की हेल्प से उसे फॉर्म पर, फ्लोरल फॉर्म पर मैंने स्टिक कर दिया है, तो सामने का पार्ट भी नहीं दिख रहा है और वो अच्छा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आप इसे किसी के शादी बर्थडे में गिफ्ट कर सकते हो एंड आई एम श्योर जिसको भी आप दोगे वो आपके इस वर्क से ज़रूर इम्प्रेस होगा, बिकॉज आपने खुद मेहनत करके बनाया है उनके लिए। जब हम किसी के लिए मेहनत करके खुद से कुछ बनाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो बुके हमारा बनके एकदम रेडी है, आई होप आपको आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल बटन होता है तो आप उसे हिट कर दीजिए सो दैट आप मेरे कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। इसे आप अपने हिसाब से और कस्टमाइज कर सकते हो, ये मेरी चॉइस थी, मैंने अपनी चॉइस से बनाया है, आप अपनी चॉइस से कुछ और बना सकते हो और ब्यूटीफुल कर सकते हो इसे। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये चॉकलेट बुके कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। तो आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।